ठंडा ठार जो है ना बादाम का शरबत रेडी हो गया। कुछ मैंने खजूरें निकाल रही हैं, कुछ स्ट्रॉबेरी निकाल रही है, कुछ चलो जी शॉपिंग हो गई है। वो अपनी दोस्त से बातें कर रही है, सेब काट के दिए हैं, थोड़ा बैठ के खा रही है और अपना पजल बना रही है। दरवेश है हमारे घर का एक। गुड मॉर्निंग उरवा, कभी अभी मैं स्कूल छोड़ के वापस घर जा रही हूँ। उरवा की इतने दिनों से छुट्टियाँ चल रही हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार फिर मंडे ट्यूसडे, आज वेडनेसडे आ गया ट्यूसडे, कल सिर्फ एक घंटा स्कूल गई है। तो उसके सही मज़े आए हुए थे, टीचर ने कहा है कि इसकी तबीयत सही नहीं है, हालांकि उसे कुछ नहीं था, सिर्फ पेट का दर्द था। और पेट का दर्द जैसे होता है ना दवाई से थोड़ी देर बाद पेट ख़राब होना शुरू होता है, तो वो था। लेकिन उसके बाद सारा दिन घर में इसने सही इंजॉय किया, डांस किए हैं, मज़े किए हैं, दवाइयाँ फेरी हैं घर में। उर्वा का किक बोर्ड रख के वहीं पे बुलाई हूँ, वो घर ले जाना होता है वापस मुझे। किक बोर्ड है जो कि मुझे घर से रोज़ लेके आना होता है, सुबह भी उर्वा इसी पे जाती है, शाम को भी इसी से आती है। उर्वा का किक बोर्ड ना रखो ना साथ, तो कहती है उठा लो। गाइस अभी बज रहे हैं 1:30 और मैं आई हुई हूँ अपना एलियन कार्ड की एक्सटेंशन के लिए। मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, शायद भी आए हुए उर्वा का फॉर्म फिल कर रहे हैं, वरना उर्वा और मुझे डिपोर्ट कर देंगे। बाकी रमज़ान फिर हमारा पाकिस्तान में गुजरेगा, तो मैं अपनी बारी का भी वेट कर रही हूँ। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे फिल कर लिए हैं। कोरिया में ना कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने हमारा वीज़ा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया था 3 मंथ्स के लिए, मतलब अगर हमारा जनवरी में था ना तो अप्रैल तक उन्होंने कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप विज़िट ना करें, वायरस के केसेस ज़्यादा आ रहे थे। तो मेरा E7 वीज़ा है और जाहिद का E3 वीज़ा है, तो शायद हम लोगों का जो लाइक जॉब्स करते हैं उनका हुआ था। वेल तो 3 मंथ्स गुजर गए हैं, आज हमें एक्सटेंड करवाने आना ही पड़ा था। तो हमारा एलियन कार्ड का वीज़ा एक्सटेंड हो गया, खुशी चेक करें, ये मुबारक दे दीजिएगा कमेंट्स में। ओके जी अभी बज रहे हैं 4:45 और मैं अब उर्वा को लेने जाऊंगी। हम लोग अपना वीज़ा का काम वगैरह करवा के आ गए थे इमिग्रेशन ऑफिस से, और अभी मैं इतनी थक गई थी कि मुझसे कुछ भी नहीं हो सका। मैं बैठ के बस अपने व्लॉग्स वगैरह डाटा कॉपी कर रही थी, और उर्वा को लेकर वापस आती हूँ तो फिर मैं तस्बीह भी पढ़ूंगी, और मैंने रस्ते में कुरान पढ़ लिया था तो शुक्र है कि मतलब एक सिपारा हो गया। लेकिन अभी भी मैं एक सिपारा पीछे हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी ना जिस दिन, तो मैंने उस दिन अपना कुरान नहीं पढ़ा था और नमाज भी पढ़नी है। तो लेट्स गो, उर्वा को जल्दी से लेकर आते हैं। मैं उर्वा का किक बोर्ड लेके जा रही हूँ वापसी पे, इसने किक बोर्ड पे आना होता है घर। आज धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई है। ये आ गया जी उर्वा का स्कूल, अब उर्वा को जाके मैं पिक करती हूँ। उर्वा आ गई, ये अपने जूते खुद पहनती है, वेरी गुड। यहाँ पे खुद सिखाते हैं कि खुद से पहनो जूते। कहाँ जा रही है, मम्मा का तो वेट कर, इसकी दोस्त है ये, कह रही तस्वीर खिंचवा लो। और वो अपनी दोस्त के साथ किकबोर्ड खेल रही है, वेरी गुड, वेल डन। वो अपनी दोस्त को जो है ना अपने प्लेग्राउंड में लेकर आ गई, उसे कहती है चलो यहाँ चलो, हालांकि वो दूसरी जगह की है। नहीं आप जाओ प्ले करो। उर्वा अपनी दोस्त से बातें कर रही है, उसकी अम्मा को भी लेके आई। अभी उर्वा और मैं एक स्टेशनरी की शॉप पे जा रहे हैं, वो जा रही है उर्वा, हमेशा माँ से जो है ना 2 मीटर आगे ही चलना होता है। उर्वा ने स्पीडें पकड़ी है, बेटी रुक जाती है, वेट करती है, पीछे देखती है कि अम्मा कहाँ है। लेट्स गो लेट्स गो, चिकची ने खा जा। उर्वा अपने पजल्स लेने आई है और आज फिर नए पजल लेगी। कौन सा वाला लेना उर्वा ने? ओके ये उर्वा ने पसंद कर लिया आते साथ ही। उर्वा को 2 में से समझ नहीं आ रहा, वो भी वैसा ही है, वो भी वैसा ही है, करेक्टर को मैच कर रही है कि कौन सा लूँ इसमें से। उर्वा अपने स्टिकर्स भी ले रही है। सुनी ले लो, ये लो हेलो किटी भूषण छुआ, ये वाला ये वाला ये वाला, ओके ये लो जाओ। जा रही है अपनी चीज़ें लेके, भी वेट करो। चलो जी शॉपिंग हो गई है उर्वा की, प्राइस भी पड़े, उर्वा कभी भी नहीं लेती। उर्वा ये लो कार्ड, कार्ड दे दो, इंतजार कर रही है अपनी बारी का। नहीं उर्वा कार्ड दे दो। चलें जी अब हमने अपनी शॉपिंग कर ली है, वो उर्वा जा रही है, बस अब हम घर जा रहे हैं और घर जाके बस इफ्तारी का तैयारी करनी है। शाम हो गई है, मौसम बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो हम लोग वापस आ गए थे घर और अभी बज रहे हैं 6:30, इफ्तार होती है 7:15। उर्वा ने बहुत सारी चीज़ें ली हैं वहाँ स्टेशनरी शॉप से। उर्वा अब अपने पजल से खेल रही है, कार्टून देख रही है और हम इफ्तारी का काम स्टार्ट करते हैं। मैंने ये घर में बादाम का शरबत बनाया हुआ है, इसका अब हम मिल्क शेक बनाते हैं। ये मैंने कैसे बनाया इसकी रेसिपी आप देख लें, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं।
और यहाँ मैं जो है बादामों को थोड़ा उबालने लगी हूँ। इनको मैंने 2 दिन से भिगो के रखा हुआ है, लेकिन जो है ना इनके छिलके नहीं उतर के दे रहे। ये छिलके उतरे थे थोड़े से, और वो भी मेरे नाखून टूट गए इनको छील छील के। छिलका जो है ना हो तो गया था नरम, लेकिन फिर भी इतना आसानी से नहीं उतरा। तो फिर मैंने नेट से देखा, उसमें लिखा हुआ था कि उबालें पहले इसको। 5 मिनट से भी कम टाइम मैंने इसको बॉइल किया, और उसके बाद फौरन ठंडे पानी से इसको धो के ये मैंने किया ऐसे। तो ये तो छिलके ऐसे उतर हैं जैसे कुछ मुआजा हो गया, मैजिक की तरह उतर रहे हैं। अगर आपको भी इस तरह बादाम के छिलके उतारने, तो ये सबसे आसान तरीका है। चलें जी, देखते जाना, मेरे सारे बादाम भी छिल गए हैं, पता भी नहीं चला। अच्छा, ये सारे बादाम मैं ग्राइंडर में डाल रही हूँ, साथ में थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लूँगी ताकि इसको मैं ग्राइंड करके पेस्ट बना लूँ। ओके जी, हमारा बादाम का ये पेस्ट रेडी हो गया, अब इसको बॉईल करेंगे। अच्छा, बादाम का पेस्ट डालने से पहले मैंने 4 से 5 कप जो है ना पानी डाल लिया, और इसी में ही मैं बादाम का ये पेस्ट ऐड कर दूंगी। ये बादाम का पेस्ट ना बिल्कुल ऐसे जैसे दूध की शक्ल बन गया, सही अच्छे से ग्राइंड करना है इसको। इसको भी मैं अच्छे से खंगाल के इसके अंदर डाल दूंगी। चलें जी, अब हम इसको 15 से 20 मिनट कढ़ाने के लिए छोड़ देंगे। ओके गाइस, तो मेरा आलमंड का मिक्सचर अब 1/3 हो गया, यहाँ तक था शुरू में। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी 1 कप। ये 1 कप चीनी मैं इसमें डाल दूंगी, और 1 इलायची भी मैंने डाल दी है खुशबू के लिए। अब इस मिक्सचर को मैं 5 मिनट और पका लूंगी, और फिर उसके बाद ठंडा करने के लिए रख दूंगी, तो हमारा ये शरबत रेडी हो जाएगा। ओके जी, हमारा ये मिक्सचर जो है अब ठंडा हो गया, और इसको मैं एक साफ़ सुथरी बोतल में भर के रख लूँगी, फ्रिज में रख दूँगी फिर। ओके जी, इसको मैं अब फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर हम ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करेंगे इफ्तारी में। इसकी आपने रेसिपी देख ली है, अब हम इसको मिक्स करते हैं दूध के साथ। यहाँ मैं 2 गिलास दूध ले लूँगी, मेरे पास और कोई जग नहीं है, तो मैं इसी मिक्सर ब्लेंडर में बना रही हूँ। और अब इसमें मैं बादाम का जूस शामिल करूँगी, तकरीबन 1 गिलास से 1/2 गिलास जितना, आप अपनी मर्ज़ी से देख लीजिएगा कि कितना आपने बनाना है। बस इसमें बर्फ़ शामिल कर दूँगी, और हमारा ठंडा ठार जो है ना बादाम का शरबत रेडी हो गया है। इस बादाम के शरबत में ना मैंने सैफ्रन नहीं डाला, अगर आपके पास हो तो आप डाल लीजिएगा बनाते हुए, मैंने सिर्फ इलायची डाली थी, तो लेकिन अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। पाकिस्तान में ना ठंडाई बनाते हैं, उसका भी कुछ इसी तरह का ही तरीका होता है, लेकिन उसको रगड़ के पीसते हैं। इसमें हमने ये है कि उसको ब्लेंडर में पहले पीस लिया और फिर उबाल लिया। वेल, तो तरीका उसी तरह का ही है ठंडाई जैसे बनाते हैं, लेकिन एट दी एंड उसमें पानी शामिल करते हैं, हमने इसमें दूध शामिल कर लिया है। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग इस तरह बादाम की ठंडाई या शरबत या मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं क्या। कि गाइस, जाहिद ने ये ऑर्डर किए हैं ऑरेंजेस प्योर स्पेक्ट वालों के, और ये इम्पोर्टेड ऑरेंजेस हैं, 6900 के हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत मीठे होते हैं। कुछ मैंने खजूरें निकाल रही हैं, कुछ स्ट्रॉबेरी निकाल रही है, और 2 माल्टे जो है ना ये मैं काट लेती हूँ। ओके, मैं अब जो है ना स्ट्रॉबेरियाँ काट लेती हूँ, रूहा को स्ट्रॉबेरी देती हूँ, उसको बहुत भूख लग रही है, इतना रो रही थी भूख से, इसको फिर समझ भी नहीं आती कि हुआ क्या, आँखें बंद करके रोती है। अभी इसको सेब काट के दिए हैं, थोड़ा बैठ के खा रही है और अपना पजल बना रही है। आज का रोज़ा तो बहुत ही ज़्यादा लगा है, क्योंकि आज हम सुबह जो है ना इमिग्रेशन ऑफिस भी गए थे, और उसके बाद फिर उर्वा को प्लेग्राउंड भी लेकर गई, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए स्टेशनरी शॉप, तो बहुत थकावट हो गई है। और आज तो है ना एक्चुअली धूप भी बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान में एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो भी कह रही थी कि आज बहुत धूप निकली हुई है, तो आई थिंक थोड़ा सर्दी अब यहाँ पर भी कम हो रही है, तो जिस दिन थोड़ी सर्दी कम होती है ना, तो फिर अच्छी खासी लगता है रोज़ा में। अपना दस्तरखान लगा लेते हैं। ओके जी, तो ये है हमारे फल और खजूरें, ये है हमारा बादाम का शरबत, और वो अपना पजल बना रही है, अभी लेकर आई थी, नया पजल है, और ये भी स्पीडो स्पीड बनाई जा रही है। हम लोग सोचते थे वो पुराना पजल ना इसको जबानी याद हो गया है, तो अब ये पजल तो बिल्कुल अभी लेकर आई है, ये तो हमें भी शक्ल याद नहीं है इसकी। और इसके कितने सारे पीसीज हैं और इतने कलरफुल हैं, कहाँ से लगाती है उर्वा, सारा दिमाग सिर्फ इसी में चलता है उर्वा का, और किसी चीज़ में नहीं चलता। बहुत थक गई आज, और अभी जो है ना बस इफ्तारी में भी टाइम रहता है, मैंने कहा मैं तस्वीर पढ़ लूँ जल्दी से, 10 मिनट्स रह गए हैं, तो बस एक तस्वीर पढ़ के फिर इंशाल्लाह इफ्तारी करते हैं। अभी देखना जो भी पजल उठाएगी ना उसको पहले से पता होगा वहाँ पे लगाना है, वहीं पे लेना है। हाँ, इसने कोई पिक्चर जो है ना उसके दिमाग में इसकी सेट कर लिया है, और ये पजल अच्छा खासा बड़ा है, मतलब एक बड़े बंदे को बनाने में भी जो है ना हाँ टाइम लगता है। 3x3 पजल होते हैं, 9x9 पजल होते हैं, ये कितने बाय कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाय कितना है ये, 70 पीसेज 80 पीसेज हैं, 70 है। ये उठाया, ये लगाया, इसको पता नहीं जैसे पहले से ही पता है, ये उठाया और ये लगाएगी अभी।
इसने पहली दफा देखा ये करेक्टर्स पहली दफा इसने देखे हैं। ये पजल आज ही लेकर आई है। ध्रुवा ने ना आज तक कभी डॉल्स घर प्ले नहीं किया। अच्छा इसमें ना हर बच्चे की ना अपनी सलाहियत और अपनी काबिलियत होती है। हम पेरेंट्स पता क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को ना वही सारा कुछ करवाते हैं, ओवर जनरलाइज करते हैं। हर बच्चे की जो कैपेबिलिटीज होती है ना वो दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होती है। तो कुछ बच्चे ना बहुत एथलेटिक होते हैं, कुछ बच्चे अच्छे सिंगर्स होते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे जिमनास्ट होते हैं, और कुछ बच्चे ना बिल्कुल बैठे हुए होते हैं और कलर्स कर सकते हैं, ड्रॉइंग्स कर सकते हैं। ये भी उन्हीं बच्चों में से है जो बस एक ही जगह बैठ के जो है ना बस या तो ये बोर्ड वाली गेम्स प्ले कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों को हम देखते हैं इतनी अच्छी ड्रॉइंग्स करते हैं, और कुछ बच्चे 10 साल की उम्र में जो है ना बड़े बड़े डायरेक्टर्स बन जाते हैं फिल्म और 3D उसके एनिमेशन के। तो मतलब ये भी हर बच्चे की अपनी काबिलियत होती है। मेरे व्यूअर्स पेरेंट्स हैं तो प्लीज अपने बच्चों की यानी कि सलाहियतों को देख के जो है ना उनको वो करवाएं जो वो करना चाहते हैं। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चों के अपने ही टैलेंट्स होते हैं। तो ये उर्वा है, इसका अपना टैलेंट्स है जिसने आज तक अभी गुड़ियों से नहीं खेल के देखा। मैं पीछे ना रह जाऊँ, ये भी जंप मार के आ गई है जंप जाए नमाज के ऊपर। सोम भी हमारे घर का भी इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसको भी कमेंट्स में कोई हेलो बोल दे देख ही नहीं रही सोम अन्योंग देखती नहीं है। उर्वा का प्लांट भी बाहर आ गया, वो उर्वा के सीड में से जो है ना प्लांट निकल गया बिग बिग, वो अब इसमें से फ्लावर निकलेगा उर्वा, वो फाइनली कल के व्लॉग तक जो है ना ये पूरा बाहर आ जाएगा। लड़की कह रही है कि दूसरा पजल खोलो, मैं दूसरा जल्दी से बना लूं। ये इसने बना लिया है, ये पजल जो है ना इसके लिए वैसे ही बाएं हाथ का खेल बन गया है, सारा जबानी याद हो गया। घर में सारे पजल ही पजल, स्टिकर ही स्टिकर होंगे बस। आप अपने बच्चों के बारे में कमेंट्स में लिखिएगा कि आपके बच्चे की क्या स्पेशल आदतें हैं। जी दूसरे पजल की तैयारी, सारे हमने पजल बिखेर दिए हैं यहाँ पे और वो बन रहा है पजल, इधर से सेब खा रही है। ओके जी हमारी इफ्तार हो गई है, अब हम रोज़ा खोल रहे हैं। आज रोज़ा लगा है, आज गर्मी थी तो बहुत रोज़ा लगा है जी। हम अपना आज बादाम का शरबत जो है ना ये भी ट्राई करते हैं, को हिलाना पड़ेगा क्योंकि इसमें बैठ जाता है नीचे, ट्राई करके देखें इसका जायका किस तरह का है, पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ होती है। इसमें जो बादाम का शरबत है ना वो ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा जायका आएगा, हमने शायद कम डाला है। बहुत मज़े का लग रहा है, मुझे तो बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है, सुकून आ रहा है पी के। रुबा अपना पजल बना रही है यहाँ पे जी, मैं रस खा रही हूँ चाय के साथ, और आज खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, इफ्तारी में ही बहुत खा लिया। और यहाँ पे उर्वा बैठी हुई अपने पजल बना रही है। उर्वा ने ये बनाया, ये बहुत मुश्किल है, दिखने में आसान है लेकिन इसकी बहुत शेप्स हैं तो बहुत मुश्किल है। उर्वा अब थक गई है, ये वाला पजल इसको आसान लग रहा है उसकी निस्बत। क्या कह रही थी, हाफ हाफ। ओके हाफ हाफ। इसने मेरा रस उठा लिया है, इसने मेरा आधा रस खा लिया है। हालांकि इसके लिए चावल बना के आए हैं जाहिद, इतने मजे के राइस बनाए हैं, वेजिटेबल और एग राइस, और ये ना शुक्री खा ही नहीं रही। तुम्हारा बच्चा आधा केक रस है, वो भी जल्दी से खा लो, और ये भी खा लेगी और पेट भर लेगी। ये मौलवी साहब जो है ना बैठा केक रस खा रहा है और अपने पजल बना रहा है, खाना नहीं खा रहा। दरवेश है हमारे घर का एक दरवेश, अपनी चादर बिछा के बैठा रहता है अपने पजल लेके। ओके जी आज का व्लॉग खत्म करती हूँ मैं इस चाय के ऊपर, हमने खाना वाना नहीं खाया, हमने इफ्तारी बहुत सारी खा ली थी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। तक के बैठे हैं, अल्लाह हाफिज़।